उदित नारायण, उदित नारायण। कुछ बहुत दूर कुछ नियर बैठे हैं, हरकतों से पता लग रहा है सारे इंजीनियर बैठे। तो थोड़ा सीट में हल्ला करो, जब मैं बोलूंगा ना तब, जब मैं कंप्लीट कर लूंगा तब तालियां और हल्ला करना, ठीक है। तो एक लाइन है, चूंकि मैं कलेक्शन सब शायरी बोलूंगा क्योंकि कुछ मेरा नहीं है, कुछ दूसरे लोगों का भी है उसमें, अब नाम नहीं लूंगा मैं। तो सुन लो मेरी, उसकी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है, उसकी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है, हालांकि उसको मेरे प्यार पे शक आज भी है, और नाव में बैठ कर हाथ धोए थे उसने कभी, नाव में बैठकर हाथ धोए थे उसने कभी, पूरे तालाब में मेहंदी की महक आज भी है। इतना, एक मिनट मैं थोड़ा से यहाँ से परफॉर्म कर सकता हूँ। चीटिंग नहीं है ये, रोज मैं परफॉर्म नहीं करता हूँ इसलिए याद नहीं है। ये मैंने एक लिखा था कि जैसे कि आजकल बहुत तेजी से लोग चेंज करते हैं ना रिलेशनशिप स्टेटस, लाइक सिचुएशनशिप इज लाइक अ ब्लूटूथ। अगर आप 100 मीटर के अंदर हैं तो आप रिलेशनशिप में हैं, 100 मीटर के बाहर तो आप आउट ऑफ नेटवर्क। तो ये है कि मैंने एक लिखा था कि उम्र कम समझदारी ज्यादा होनी चाहिए, उम्र कम समझदारी ज्यादा होनी चाहिए, इश्क में खूबसूरती कम वफादारी ज्यादा होनी चाहिए। और हमने कब कहा कि वो खूबसूरत नहीं, हमने कब कहा कि वो खूबसूरत नहीं, बस उसके आंखों में काजल और कानों में बाली होनी चाहिए। काफी अच्छा सुन रहे हो आप लोग। क्या ना कि हर जनरेशन में प्यार का अलग तरीका होता है, लाइक जो मिलेनियल्स होते हैं जेन वाई, उनमें प्यार का तरीका, आप लोग चिट्ठियां लिखते थे, जो मिलेनियल्स होंगे उनको पता हो, तो वो लोग चिट्ठियों में क्या लिखते थे, आपका भी हालचाल पूछ लेते थे, आपके फैमिली वालों के भी हालचाल पूछ लेते थे चिट्ठी में, कि जी प्रिय आपका खत मुझे मिला, आप कैसे हो, आपकी माता जी कैसी हैं, पिताजी कैसे हैं। और फिर जो जेंजीज आते हैं, जेंजीज में बाबू ने थाना थाया इसमें ही उलझे, और उसके बाद आते हैं जेन अल्फा। जेन अल्फा इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि शो ऑफ करना है कि मुझे नॉलेज है। तो जेन अल्फा का है कि दे आर हैप्पी विद देयर एआई गर्लफ्रेंड, उनको फर्क नहीं पड़ता हु इज बाबू, ठीक है। तो ये है कि ये देखो ट्रांजिशन कैसे है कि हर फैसला होता, ये जो पीछे के लड़के, इतना सिंक में हल्ला करना होता है, इतना कूद कूद के नहीं, ठीक है। तो इंजीनियरिंग हंस के प्रूफ कर रहे हो, ठीक है सुन लो कि हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के, हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के, और मोबाइलों के दौर के आशिकों को क्या पता रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल के, ठीक है। ये जो पीछे जो इंजीनियर्स बैठे वो ज्यादा रिलेट करेंगे इस लाइन को जो मैं अभी बोलने वाला हूं, कि वो मुंह लगाता है जब उसको कोई काम होता है, वो मुंह लगाता है जब उसको कोई काम होता है, जो उसका होता है समझो गुलाम होता है, वो मुंह लगाता है जब उसको कोई काम होता है, जो उसका होता है समझो गुलाम होता है, किसी का हो के दोबारा ना आना मेरी तरफ, किसी का हो के दोबारा ना आना मेरी तरफ, क्योंकि मोहब्बतों में हलाला हराम होता है। और ये उन्हीं इंजीनियर्स के लिए जो ज्यादा हल्ला कर रहे हैं उनसे ही है, क्योंकि उनकी जज्बात को यहाँ कहना जरूरी है, क्योंकि बेचारे काफी परेशान हैं। है कि कैसे कैसों को
कैसे कैसो को हमराज करती है, कैसे कैसो को हमराज करती है, अपने लोगों को नाराज करती है। यार तुम लोग अच्छे से सुन रहे हो, लेकिन थोड़ा ना शांति से सुन लो प्लीज। इसीलिए कोई मिल नहीं रही है जब शांति नहीं है तो। अच्छा सुन लो प्लीज सुन लो, ये लास्ट है मेरा, अभी मैं चला जाऊंगा ठीक है। कि कैसे कैसों को हमराज करती है, अपने लोगों को नाराज करती है, कैसे कैसे को हमराज करती है, अपने लोगों को नाराज करती है, तेरे बाद हमने जाना कि घड़ी टिक टिक की आवाज करती है। थैंक यू। आरिफ खान लास्ट ईयर जो यारों की महफिल हुई थी उसके स्टार परफॉर्मेंस थे, तो इस बार एक बार दोबारा हमें मौका मिल रहा है आरिफ खान को सुनने का। कृपया मजे से सुनिए आरिफ खान। हेलो दोस्तों, कैसे हो? प्यारों की महफिल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं आशा करता हूँ आप इसका, मैं कुछ आपको दो लाइनें सुनाना चाहूँगा, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। कि जमीन अच्छी है तो आसमान अच्छा है, जमीन अच्छी है तो आसमान अच्छा है, हम अच्छे तो सारा जहाँ अच्छा है। बड़े सुकून से मुझको नींद आती है, बड़े सुकून से मुझको नींद आती है, तेरी हवेली से मेरा मकान अच्छा है। और अभी आपने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा पूरी दुनिया में क्राइसिस चल रहा है, तो मैं कुछ लाइन अपने देश के लिए कहना चाहूँगा, तो प्लीज़ सुनिएगा। कि तमाम मुल्कों में फैली हुई है बर्बादी, कि तमाम मुल्कों में फैली हुई है बर्बादी, खुदा के फजल से हिंदुस्तान अच्छा है। और ये लाइन मैं सभी लड़कों के लिए डेडिकेट करना चाहूँगा जो अपनी माँ को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो मैं चाहूँगा इस पर खूब दाद दें जितनी एनर्जी आपके अंदर। कि और नाकाम ही रहेंगे जहाँ में वो लड़के जो माँ बाप की खिदमत नहीं करते, और नाकाम ही रहेंगे जो लड़के माँ बाप की खिदमत नहीं करते। सॉरी और जो नाकामी रहेंगे जो लड़के जो माँ बाप की खिदमत नहीं करते, सीखा ही नहीं हमने यारो नफरत का सबक यारो, हम लोग तो दुश्मन से भी नफरत नहीं करते। आरिफ जान देते हैं अपने वतन पर, आरिफ जान देते हैं अपने वतन पर, हम लोग तो सियासत की तजारत भी नहीं करते। और ये लाइन कुछ उनके लिए है जो लोग सामने कुछ और बोलते हैं पीछे कुछ और बोलते हैं और मुस्कुरा के शहर से निकल जाते हैं, तो प्लीज सुनिएगा। कि रास्ते इंतजार करते हैं आपसे कितना प्यार करते हैं, कि रास्ते इंतजार करते हैं आपसे कितना प्यार करते हैं, हम लड़े जब भी सामने से लड़े, हम लड़े जब भी सामने से लड़े आप पीछे से वार करते हैं। और ये लाइन मैं अपने दोस्तों के लिए कहना चाहूंगा, तो प्लीज सुनिएगा। कि दुश्मनों को भी शर्म आ जाए कि काम ऐसा भी यार करते हैं, कि दुश्मनों को भी शर्म आ जाए कि काम ऐसा यार करते हैं, कोई तूफान आने वाला है, कोई तूफान आने वाला है, रुख हवा का बदलने वाला है, और जो अंधेरे को दूर कर दे, और जो अंधेरे को दूर कर दे, एक दिया ऐसा जलने वाला है। और ये लाइन लोही के लिए ठीक है, लोही प्यार सुनेगा। लोदी लोदी आपकी मुस्कुराहट जो अच्छी लगती है, आज मैं चाहूंगा कि आप ऐसी मुस्कुराते रहें। कि तू मुझको भूल जाए मुझे इसका गम नहीं, तू मुझको भूल जाए मुझे इसका गम नहीं, लेकिन खुदा के वास्ते मुझको रुसवा ना कर।
मुझको भूल जाए मुझे इसका गम नहीं, लेकिन खुदा के वास्ते मुझको उर्सा न कर, आरिफ तेरे इश्क में बीमार हो गया, आरिफ तेरे इश्क में बीमार हो गया, तेरे मरीज इश्क हूँ, अच्छा ना कर मुझे। और ये लाइन मैं अरविंद राजपाली के लिए करना चाहूंगा कि हद से भी ज्यादा प्यार मत करना, कि हद से भी ज्यादा प्यार मत करना, दिल हर एक पर अनुसार मत करना, कि क्या खबर किस जगह पर रुक जाए, कि हद से भी ज्यादा प्यार मत करना, दिल हर एक पर अनुसार मत करना, क्या खबर किस जगह पर रुक जाए, सांस के एतवार मत करना, और आईने की नजर ना लग जाए तू इस तरह से सिंगार मत करना, और आईने की नजर ना लग जाए तू इस तरह से सिंगार मत करना, और पीर तेरी ही तरफ आएगा तू हवा में शिकार मत। और डूब जाने का ये लाइन में आयर के लिए कहना चाहूंगा, डूब जाने का जिसमें खतरा है ऐसे दरियों को पार मत करना, डूब जाने का खतरा है ऐसे दरियों को पार मत करना, देख तौबा का दर खुला है तू, देख तौबा का दर खुला है अभी, तू कल का इंतजार मत करना, मुझको खंजर ने ये कहा है आरिफ, सुनेगा, मुझको खंजर ने ये कहा है आरिफ, तू अंधेरे में बार मत करना। एक लाइन में कहना चाहूंगा कि हमने वतन के वास्ते क्या क्या नहीं किया, सुनेगा लोधी, कि हमने वतन के वास्ते क्या क्या नहीं किया, और आप कह रहे हो हमने क्या क्या नहीं किया, धोखा वफा की राह में खाए हैं जरूर, धोखा वफा की राह में खाए हैं जरूर, लेकिन कभी किसी के साथ धोखा नहीं किया। हमने गुजार दी फकीरी में जिंदगी, हमने गुजार दी फकीरी में जिंदगी, लेकिन कभी जमीर का सौदा नहीं किया। और ये लाइन आकाश तो है नहीं, लेकिन दिल को जला के दिए जवाने को रोशनी, सुनेगा, दिल को जला के दिए जवाने को रोशनी, दिल को जला के दिए जवाने को रोशनी, जुगनू पकड़ के हमने उजाला नहीं किया। ए दोस्त, ये मैं लाइन दोस्तों के लिए बोलना चाहूंगा, ए दोस्त और मैं वफा का क्या सबूत दूं, ए दोस्त और मैं वफा का क्या सबूत दूं, वादा वफा किया हूं वादा नहीं किया। और ये दो लाइन में मन बनाने की अपनी मां के ऊपर कहना चाहूंगा सभी लोग, तो प्लीज सुनिएगा कि इस तरह से मेरे गुनाहों को वो धो देती है, कि इस तरह वो मेरे गुनाहों को धो देती है, माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आके खोल दी तो घर में उजाला हो गया। किसी को घर मिला या कोई दुकान आई, किसी को घर मिला या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था मेरे हिस्से में माँ आई, उनके छोटे से मेरे हक में दुआ निकली है, उनके होने उनके छोटे से मेरे हक में दुआ निकली है, जब मर्ज फैल चुका है तब दवा निकली है। हम कुछ गुनाहों की दवा सॉरी हमारे कुछ गुनाहों की दवा हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, हमारे कुछ गुनाहों की सजा कुछ भी साथ चलती है, जब हम तना नहीं चलते तो दवा भी साथ चलती है। कभी जिंदा है मेरी माँ मुझे कुछ भी नहीं होगा, अभी जिंदा है मेरी माँ अभी कुछ भी नहीं होगा, मैं जब घर से निकलता हूँ तो दुआ भी साथ चलती है। और एक लाइन में अपनी छोटी सिस्टर के लिए कहना चाहूँगा कि मंजिल करीब आते ही पाँव कट गया, कि मंजिल करीब आते ही पाँव कट गया, चौड़ी सड़क तो मेरा गाँव कट गया, मंजिल की राह में भटकते हुए मेरी बहन से नाता कट गया। धन्यवाद। Thank you.
पंच वाला रसगुल्ला आता है ना, कुछ लोगों का तो ये हाल है कि उसको जैसे बाहर निकालो तो उसमें रसा निकल जाता है, उसमें बस घास ही वो मतलब सूखा हुआ रह जाता है, तो कुछ लोगों का हाल ऐसा भी चल रहा है, लेकिन दावा कर रहे हैं इस मोहब्बत का। अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अभिषेक यादव से रिक्वेस्ट करूंगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आज आप लोगों के सामने अपनी कुछ लिखी हुई शायरी सुनाऊंगा, लेकिन ये शायरी स्टोरी के फॉर्म में होगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी है कि लड़कों की लव लाइफ कैसी होती है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसा होता है कि लड़का कॉलेज में आता है, कोई ना कोई उसे लड़की पसंद आ जाती है, ठीक है। तो फिर अब लड़का बहुत शर्माता है, बोल नहीं पाता है, तो उसने कुछ लाइनें लिखी हैं, जरा गौर से सुनिएगा। ठीक है, स्टार्ट करता हूं। जब भी तेरी गलियों से गुजरता हूं मेरा मन बहकाता है, जब भी तेरी गलियों से गुजरता हूं मेरा मन बहकाता है, पता नहीं तुमसे क्या रिश्ता है क्या नाता है, जब भी तुम्हें देखता हूं मेरा दिल धड़क जाता है। तेरा मासूमियत भरा चेहरा मुझे अक्सर तड़पाता है, तेरा मासूमियत भरा चेहरा मुझे अक्सर तड़पाता है, लेकिन क्या करूं कभी बोल ना पाया कि मेरा दिल तुम्हें चाहता है। ठीक है, अभी लड़का बहुत हिम्मत जुटा के बोल देता है, लड़की एक्सेप्ट भी कर लेती है, लेकिन लड़के क्या होते हैं, वो ज्यादा प्रोटेक्ट करने लगते हैं, लड़की को दुखी नहीं देखना चाहते। तो उस पे लड़के ने क्या लिखा है, तुम्हारा लटका हुआ चेहरा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है, तुम्हारा लटका हुआ चेहरा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है, जी करता है उस गम से भी लड़ जाओ जो तुम्हें सताता है, काश मिले खुदा तो मैं उससे यह गुजारिश कर दूं, काश मिले खुदा तो मैं उससे यह गुजारिश कर दूं, कुछ हो ऐसा कि मेरी जिंदगी की सारी खुशियां तुम्हें मिले और तुम्हारे सारे दुख दर्द मैं ले लूं। अब धीरे धीरे आगे स्टोरी बढ़ती जाती है, अब वही होता है जो सबकी लाइफ में होता है, ब्रेकिंग पॉइंट, हार्ट ब्रेकिंग। अगर लड़का सीधा साधा हुआ तो लड़की के लिए क्या लिखता है वो सुनिएगा, और अगर लड़का बहुत स्ट्रांग टफ हुआ तो लड़की के लिए क्या लिखता है ध्यान से सुनिएगा। तो पहले अभी जो सीधा साधा लड़का है वो क्या बोलता है, हे खुदा तूने मुझे उस तकदीर में लिखकर जुदा किया, हे खुदा तूने उसे मेरी तकदीर में लिखकर जुदा किया, क्यों किया, जिस दिन छोड़ के गई ऐसा लगा मुझे जिंदगी ने हरा दिया। ठीक है, अब वो टफ लड़का जो हमेशा सिचुएशन को हैंडल कर लेता है, उसके अंदर हमेशा बदले की भावना रहती है, वो क्या लिखता है, वो बोलता है, ए लड़की जा तू जा मुझे छोड़ तू बहुत पछताएगी, ए लड़की जा तू जा मुझे छोड़ तू बहुत पछताएगी, क्योंकि जब जब हम तेरी मोहब्बत में तड़पेंगे आग तेरी भी भर आएगी। एक और बोलता है टफ, तुम मुझे छोड़ गई सोचा कि मैं बर्बाद हो जाऊंगा, तुम मुझे छोड़ गई सोचा कि मैं बर्बाद हो जाऊंगा, देख लेना वादा है तुमसे एक दिन तुमसे अच्छी ढूंढ लाऊंगा। यूपीएससी क्रैक होगा। ठीक है, अब मैं बस यही कहना चाहूंगा कि कोई लड़का बुरा नहीं होता ना लड़की बुरी होती, बस हालात बुरे होते हैं, बस अपना वक्त बुरा होता है। तो कभी भी